नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ पल ऐसे गुजरे हैं कि दिनों का हिसाब ही भूल गई। मुखड़ा अच्छा हो ना तो बोल अपने आप सुंदर हो जाता। कोई आता है जर लेकर, कोई लालू गुहर लेकर, मैं आई हूँ यहाँ जाने हजी और चश्मे तर लेकर। कहाँ तक जीत की जाएगी किस्मत खस्ता जानों से, जुआ खेलूंगी इसके साथ आज मैं अशकों के दानों से। जया भादुरी बचपन से ही एक ऐसे माहौल में पली बड़ी थी जहां क्वालिटी की अहमियत क्वांटिटी से ज्यादा थी, और आगे चलकर इसी थियरी को उन्होंने अपनी फिल्मों में भी अपनाया, जिसका उन्हें भरपूर फायदा मिला। इसीलिए उन्होंने अपने अब तक के करियर में करीब 45 फिल्में ही की हैं। इन्हीं भूमिकाओं ने उन्हें 70s की गर्ल नेक्स्ट डोर बना दिया। एक मिडिल क्लास वुमन की छवि को जितनी सहजता से स्क्रीन पर उन्होंने उतारा, वो उनकी नेचुरल अदाकारी का सबसे बड़ा सबूत है। उनकी इसी इमेज ने उन्हें ऋषिकेश मुखर्जी की फेवरेट हीरोइन बना दिया। इसीलिए गुड्डी, बावर्ची, अभिमान, मिली, चुपके चुपके जैसी अपनी ज्यादातर फिल्में उन्होंने जया के साथ ही बनाई। उमा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं चला जाऊंगा, तुम्हें दुख नहीं होगा? बड़ी माँ बहुत रोएंगी। मैं बड़ी माँ के बारे में नहीं, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। दुख नहीं होगा? बोलो, क्यों? मेरे जाने से तुम्हें दुख क्यों होगा? मालूम नहीं, सुना सुना सा लगेगा। मुझे भी। शहर में इतनी भीड़, इतना काम, वहां आपको क्यों सुना लगेगा? तुम नहीं जानती हो मैं, शहर में इतनी भीड़, इतने काम में अचानक अकेला हो जाता हूँ। क्यों? उमा नहीं ना, मेरा गहना बलम तू तो से सज के डोलूं, भटकते हैं तेरे ही नैना, मैं तो कुछ ना बोलूं, मेरा गहना बलम तू तो फिर ये बोले है तेरा कंगना। इनके अलावा उपहार, पिया का घर, परिचय, कोशिश एंड कोरा कागज जैसी फिल्मों में भी जया की सिंपल अपीयरेंस ने उन्हें स्पेशल बना दिया। उपहार की पूरी कहानी बेटी, बहू और पत्नी के रूप में जया के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। उनके इंट्रोडक्टरी सीन से ही पता चल जाता है कि फिल्म पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन तो मिला ही, उसका स्पेशल अवार्ड भी उन्हीं को दिया गया। इसके अलावा उपहार को फॉरेन फिल्म कैटेगरी में अकेडमी अवार्ड्स के लिए भी सिलेक्ट किया गया। जया की सादगी को लेकर कुछ डायरेक्टर्स ऐसा समझ बैठे कि वो कैरेक्टर रोल्स के लिए ही फिट हैं, लेकिन अपनी सिंप्लिसिटी को ही अपनी खूबी बनाकर जया ने उन सभी को गलत साबित कर दिया। वैसे ग्लैमरस रोल से भी जया ने कभी परहेज नहीं किया। जवानी दीवानी, दिल दीवाना, समाधि, अनामिका इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं, जिनमें उन्होंने लाइट हार्टेड रोल्स को भी बखूबी इंजॉय किया। इस प्यार से हाई
1972 की फिल्म कोशिश में जया का सामना संजीव कुमार और गुलजार जैसे लेजेंड्स से हुआ, लेकिन सिर्फ एक साल के एक्सपीरियंस के साथ जया संजीव कुमार से कमतर नहीं दिखाई देती। कोशिश की नेचुरल परफॉर्मेंस के लिए फिल्म फेयर ने उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया। आगे चलकर संजीव कुमार के साथ उनकी स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग हो गई कि परिचय, अनामिका, नया दिन नई रात, शोले और नौकर जैसी फिल्मों में दोनों ने बाप बेटी, ससुर बहू, पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका के अलग अलग किरदार निभाए। प्यार के मैखाने में आकर आप इस झूठी शराब का नशा छोड़ देंगे और इसके अलावा आपके इंतकाम की आग भी तो बुझ जाएगी। जनाब, इस दुनिया में मुंह सीकर नहीं रहा जा सकता। अच्छा ये बताओ तुम हो कौन? देखो मियाँ, खानदानी लोग जबान से बात करते हैं, हाथ से नहीं। पहले तुम बताओ तुम क्या चीज? हम इस इलाके के नामी शिकारी हैं। आपका इस्म शरीफ? शेर सिंह। Glad to meet you, Mr. Lawn Singh. अरे इस जवानी में इतने नाजुक हैं, सिर्फ चूड़ियों की कमी है। गुरुदेव, आपके शिष्यों में इतनी शक्ति है कि वो बनारस जाकर गंगा स्नान करके काशी विश्वनाथ का प्रसाद ला सकते हैं? तुमने सुना होगा बालिका, गुरु बिना कत नहीं। जो गुरु की शरण में आ जाता है, गुरु अपनी शक्ति बांट कर उसके शरीर में समो देता है। अमिताभ बच्चन के साथ भी जया की जोड़ी बेहद यादगार रही। दोनों पहली बार गुड्डी के सेट पर मिले। बंसी बिरजू और एक नजर के दौरान उनका प्यार हो गया और जंजीर रिलीज होते ही शादी हो गई और जया भादुरी जया बच्चन बन गई। तो क्या हुआ? सुबह कोई देखेगा तो क्या समझेगा? क्या समझेगा? इतनी रात के? हेलो, मैं राधा हूँ, हरिदास सम्मेलन में मिली थी ना। हाँ हाँ, पहचान लिया, कहिए। आपने सचमुच शादी कर ली है? जी हाँ। बीवी कहाँ है? जी बीवी तो इस समय मायके गई हुई है। आपने शादी क्यों कर ली सुबीर जी? इतने दिलों का तोड़ना अच्छा हुआ क्या? क्या करूं, मैं तो खुद गलती करके पछता रहा हूं। सच कह रहे हैं? हाँ, मैं तो अब ये सोच रहा हूँ किस तरह अपना गला इस फंदे से निकाला जाए, डिवोर्स कैसे हासिल करें। कौन, किसकी आवाज है ये? जी वो मेरी, मेरा नाम उमा है, सुबीर जी की पत्नी हूं मैं। Hey, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे सोने दो। अरे आखिर बात क्या, बोलो ना। कहा ना कुछ नहीं, मुझे सोने दो, सुबह होने को आई। ओह, अभी अभी तो ठीक थी, एकदम से तीखी मिर्ची की तरह। क्या हुआ? यही होता था ना मुझसे पहले, आधी आधी रात को लड़कियों के टेलीफोन, उनकी सुनते और खुद की सुना। अरे बाबा, वो जब की बात है, अब नहीं होगा। सच्ची से अब नहीं। मेरी सौगंध? हाँ लेता, लेकिन एक शर्त मेरी भी माननी होगी। क्या? देखो, हर रोज, ज्यादा नहीं है, 100-200। अरे सुनो ना, कम कर देता, 60-70। अरे उमा सुनो। दोनों की शादी के तुरंत बाद उनकी फिल्म अभिमान रिलीज हुई, जिसमें जया भादुरी के लिए गाए लता मंगेशकर जी के गाने आज भी लोग गुनगुनाते हैं। जब मैं गाऊं लगे मेरे
जैसे खेले चंदा बादल में, खेलेगा वो तेरे आंचल में। देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रना। शोले, चुपके चुपके और मिली में भी दोनों साथ नजर आए, जिसके बाद फिल्मों से किनारा करके जया अपने बच्चे श्वेता और अभिषेक की परवरिश में लग गई। इसी दौरान मीडिया में अमिताभ रेखा के अफेयर की भी चर्चा गर्म हुई, पर जया फर्मली अमिताभ के साथ खड़ी रही। बहुत तकलीफ थी ना मैंने तुम्हें, मुझे माफ कर दो मां, मुझे माफ कर दो। सिलसिला में उनकी पत्नी का रोल एक्सेप्ट करना मानो एक तरह से एक पब्लिक स्टेटमेंट ही था, जहां हस्बैंड एंड वाइफ लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। तो इसी बात पर हो जाए जया भादुरी यानी जया बच्चन के कुछ सीन्स। मूड खराब है क्या? मूड? हाँ, मूड तो खराब ही है, और अगर तुम हमारा मूड ठीक रखना चाहती हो तो शाम को वहीं मिलो। तो फिर आप अपना मूड खराब ही रखिए। इतना खराब ही नहीं है, फिर भी अगर तुम शाम को मिलो तो मूड अच्छा हो सकता है। अच्छा हो या बुरा, अब मुलाकात शादी के बाद ही होगी। क्यों शादी के बाद? क्यों? क्योंकि शादी के बाद मैं सदा के लिए तुम्हारी बन के आऊंगी। वो तो हम जानते ही हैं, यहाँ नहीं आओगी तो जाओगी भी कहाँ? क्या मतलब? मेरा मतलब है अब हमारी कुंडलियां मिल चुकी हैं, मैं भी तो तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकूंगा ना। लेकिन रेखा, फिर शादी के बाद ऐसी रोमांटिक बातें तो नहीं हो सकेंगी? शादी के बाद तो बड़े अच्छे लगते हैं। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे? मैं जानती हूँ आप। क्या जानती हैं? आप आकाश साहब हैं जी। आदाब। आदाब। मुझे माफ कर देना, बहुत मुश्किल तो ना होगा? बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मैं खुद मुजरिम जी। मैंने ये तो बताया नहीं कि मैं कौन हूँ, और आपके दिल का हाल जान लिया, क्या ये जुर्म नहीं? क्या सचमुच आपने ये जुर्म किया है? न किया होता तो आता क्यों? मेरी शायरी को कोई दिल से तोड़ रहा है ये सोचकर मुझसे रहा नहीं गया। क्या तुम सचमुच शबनम की तरह पाक और पवित्र हो, या ये मेरा वहम है? शुक्र देख लीजिए ना। आवाज और सूरत का इतना खूबसूरत संगम मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें तो किसी हरे पत्ते के सीने पर होना चाहिए था शबनम, कहां तुम कमल बनकर इस कीचड़ में आ गई। अगर मानते हैं मैं कमल हूं तो मुझे इस कीचड़ से निकाल लीजिए। कमल हमेशा कीचड़ में नहीं रहता शबनम, तुम्हें जरूर कोई ना कोई इस कीचड़ से निकालेगा, मैं नहीं तो कोई और से। मैं कीचड़ में रहूं या गंगा जल में, एक बात याद रखिएगा, मैं शबनम हूं, आकाश से गिरी हूं, आकाश में ही लीन हो जाऊंगी। आकाश तुम्हें अपने आप में जज्ब कर लेगा। शबनम। पप्पा, जिस प्रभु ने हाथी बनाया उसने चिड़िया भी बनाई। चिड़िया का जन्म हुआ, उसको पर निकले, उसने उड़ना सीखा, उड़ते 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 एक दिन उड़नछू हो गई। पता है क्यों? अपने जीवन साथी की तलाश में। एक दिन वो उड़ते उड़ते अपने जीवन साथी के घोंसले में पहुंची,
और क्या देखा? घोंसला खाली था, वो जोरों से चीखी। मालूम है क्यों? क्योंकि चिड़िया और कन्या में कोई फर्क नहीं होता, और ये दुनिया अक्सर औरत को धोखा दे जाती है। एक मर्द होकर तुम औरत का दिल समझते हो? तुम्हारा तो लाज कराना चाहिए। देखो बेटे, जिंदगी में कभी पाताल की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमेशा आगे देखते हैं। वो तो देखना ही पड़ेगा बेटा। अब क्योंकि भगवान ने इंसान के शरीर पर चेहरा आगे की तरफ लगाया, पीछे की तरफ नहीं। गुड, व्हाट अ वंडरफुल एग्जांपल। ग्लैड टू मीट यू। सो एम आई। हैज टू बी। पापा, मेरे को घड़ियां कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं यार। प्लीज प्लीज, मैं आजाद पंछी हूँ, अपनी मर्जी से उड़ूंगी, अपनी मर्जी से घूमूंगी। गुलशन गुलशन फूल। अरे ओ, अरे पापा। मैं उन्हें लेने आई। आपको कैसे पता चला कि सुबीर यहाँ है? मैं जानती हूँ। आपने यहाँ आने की क्यों तकलीफ की? एक फोन कर दिया होता, मैं उसे भेज देती। आजकल वो कुछ उदास से रहते हैं, इसलिए मैं उन्हें खुद लेने आई हूँ। मैं भी कई दिनों से देख रही हूँ, सुबीर खोया खोया सा रहता है। क्यों, आप जानती हैं? माफ कीजिए, इसके बारे में मैं समझ गई। बैठी, आपसे एक बात पूछूं, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने सुबीर को बहकाया है? या नहीं? नहीं चित्रा जी, जो प्यार करता है वो कभी। तुम यहां क्यों, यहां क्यों आई हो? आपको लेने। क्यों, मैं कोई बच्चा हूं, खुद नहीं जा सकता? सुबीर, बहुत रात हो चुकी है, अपने घर जाओ। खाना लगवा। नहीं, मुझे भूख नहीं। क्यों? मुझे हर क्यों का जवाब देना पड़ेगा क्या? जवाब? मैंने कभी जवाब मांगा है आपसे? इसका जवाब तो दीजिए। चित्रा के घर जाकर मुझे साथ लाने के पीछे क्या है? आप नहीं समझेंगे। नहीं समझूंगा? अच्छा, तो समझाइए। समझाओ तो समझ लेंगे क्या? देखो, मत साफ साफ बातें करो, ये पहेलियां छोड़ो। आजकल आप बहुत अकेले से लगते हैं। मैंने तय कर लिया, अब मैं नहीं गाऊंगी। मेरे अकेलेपन के साथ तुम्हारे गाने ना गाने का क्या संबंध? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हो। तुम्हारी वजह से? तुम समझती हो मैं तुम्हारी शोहरत, तुम्हारे नाम से जलता हूं? मैं नहीं जानती, आप जानते हैं। ओ, ये सैक्रिफाइस, कुर्बानी। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मेरी जिंदगी में मुझे किसी की भी जरूरत नहीं, समझी? मेरी भी जरूरत नहीं तो मुझे यहाँ रहने का क्या अधिकार है? ऊपरी तौर पर जया भादुरी की इमेज बेशक गुड्डी के रूप में देखी जाती रही हो, लेकिन आत्मविश्वास जैसे कूट कूट कर भरा है उनके अंदर। कूली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बुरी तरह घायल हो गए थे और उन्हें क्लिनिकली डेड डिक्लेयर कर दिया गया था,
लेकिन जया ने वहाँ भी अपना धीरज नहीं खोया। उनका आत्मविश्वास जैसे एक ही संदेश दे रहा था कि जिंदगी की इस जंग में वो अपने पति को हारने नहीं देंगी। फाइनली उनका कॉन्फिडेंस जीत गया और अमिताभ बच्चन मौत के दरवाजे पर जाकर लौट आए। इसी तरह अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस ABCL को खड़ा करने की कोशिश में जब अमित जी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, तब भी किसी ने जया का हौसला डगमगाते नहीं देखा। वो अमित जी की ताकत बनकर उनके साथ खड़ी रही। 1998 में अपनी सेकेंड इनिंग्स के तौर पर वापसी करते हुए उन्होंने 1084 की माँ, फिजा, कभी खुशी कभी गम, कल हो न हो, लागा चुनरी में दाग जैसी चुनिंदा फिल्में ही की। आगे चलकर उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली और आज भी पार्लियामेंट सेशंस में उन्हें बेधड़क बोलते हुए सुना जा सकता है, जहां वो ना तो सच बोलने से घबराती हैं और ना ही अपने कर्तव्य से कभी मुंह मोड़ती हैं। उनके इस जज्बे को हमारा सलाम है। इसी के साथ मैं यानी अदा लेती हूँ आपसे विदा। सलाम, नमस्ते, गुड बाय, सत श्री अकाल, रखिए अपना ख्याल, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।